दोस्तों आज हम बात करेंगे जनरल वाउचर्स के बारे में। जनरल वाउचर्स की एंट्री कैसे की जाती है टेली ईआरपी नेट के अंदर। जो वाउचर्स हमारा पेमेंट रिसीप्ट सेल परचेज और कॉन्ट्रा में नहीं आता, उस वाउचर्स की एंट्री हम जनरल वाउचर्स में करते हैं। जैसे सपोज करो, अगर हमने किसी पार्टी से कंप्यूटर परचेज किया उधार पे, तो उसकी एंट्री ना हम रिसिप्ट में करेंगे, ना पेमेंट में करेंगे, और ना सेल में करेंगे, और ना परचेज में करेंगे। परचेज में इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो हमने सेल के लिए परचेज नहीं किया है। सेल में इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमारी कोई सेल नहीं है, और शिफ्ट में इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि बिजनेस में कुछ पैसा आया नहीं है। पेमेंट में इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमने किसी को पेमेंट नहीं की है। तो अब जान लेते हैं जनरल वाउचर्स की एंट्री टैली में कैसे करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जानना है अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर, और वहां पे जाके हमें सिलेक्ट करना है जनरल वाउचर्स। जनरल वाउचर्स को आप F7 से भी सिलेक्ट कर सकते हो, और साइड में यहाँ जाके उस पर क्लिक करके भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे हम सबसे पहले मेरे को एंट्री करने के लिए कंप्यूटर का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो लेजर क्रिएट करने के ऐसे शॉर्टकट तरीका है Alt+C प्रेस करेंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे कंप्यूटर। उसके बाद कंप्यूटर क्या है, हमारी फिक्स एसेट है, इसलिए हम यहाँ पे इसको फिक्स एसेट सिलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे। उसके ऊपर GST एप्लीकेबल है या नॉट एप्लीकेबल है, तो इसके ऊपर एंटर यस है नो है उसे हम एंटर कर देंगे। एंटर 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 प्रेस करते हुए नीचे आ जाएंगे। उसके बाद सपोज करो हमने जो कंप्यूटर परचेज किया उसकी वैल्यू 20,000 रुपए है, तो उसके 20,000 किससे किया है हमने, राम ट्रेडिंग कंपनी से, तो उस पार्टी का नाम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद एंटर नीचे आ जाएंगे, और यहाँ पे हम नरेशन लिख देंगे कि बिल नंबर क्या है और डेट किस डेट का बिल है। उसके बाद हम एंटर एंटर करके क्लोज कर लें। ओके दोस्तों, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक। थैंक यू।